शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। लड्डू गोपाल। झूठ, पाप, अहंकार, ये अमर बेल की तरह होते हैं। इन्हें जितना भी काटो उतना ही बढ़ते चले जाते हैं। हर बार नए नए रूप धर के सामने आते हैं। हर बार नए नए योजनाओं के साथ अपना कुचक्र रचता है। पर संसार ये ना सोचे कि यह धर्म रूपी अमर बेल का अंत नहीं हो सकता। मैं भक्त प्रहलाद की वंशज पूतना हूँ। पूतना, मैं यहाँ तुम्हारी सहायता करने आई हूँ। रति, कहाँ चली गई तुम? समक्ष आओ मेरे। किस भलाई की बात कर रही थी तुम? मैं यहाँ तुम्हारा दुख दूर करने आई हूँ रति। क्योंकि एक स्त्री ही तो स्त्री का दुख समझ सकती है। तुम्हें मेरे दुख की चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मेरे कामदेव अति शीघ्र ही लौट आएंगे और मेरे सारे दुखों का अंत हो जाएगा। और ऐसा तुमसे किसने कहा? उस छलिए लड्डू गोपाल ने। क्योंकि वो लड्डू गोपाल यदि सचमुच जानता कि कामदेव वापस कब लौटेंगे, तो तीन युगों से कामदेव मृत्यु लोक में दुख क्यों सहन कर रहे हैं रति? कहना क्या चाहती हो तुम? बस इतना कि समस्त संसार में केवल पूतना ही है जो ये जानती है कि तुम्हारे कामदेव वापस कैसे लौटेंगे। ये तुम क्या कह रही हो पूतना? तुम एक असुर होकर दैवत्व को धारण करने वाले मेरे पति कामदेव को कैसे वापस ला सकती हो? तो अब क्या संसार में ऐसी स्थितियां हो गई हैं कि असुर देवताओं के रक्षक बनेंगे? देवी रति, असुर तो सदैव से ही रक्षक थे, वीर थे, योग्य थे, किंतु तुम देवताओं ने हमें स्वीकार कहाँ किया? स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए तुम देवताओं ने धर्म के नाम पर सदैव ही हम असुरों का संहार किया, अन्यथा स्थिति कुछ और ही होती। मैं तुम्हारी इस बात को नहीं मानती, क्योंकि आज मेरे पति की जो स्थिति है वो तुम असुरों के कारण है, उस तारकासुर के कारण है। यदि उस तारकासुर ने अधर्म नहीं किया होता तो मेरे पति कभी बलि नहीं चढ़ते। कभी सोचा कि बलि देने की आवश्यकता पड़ी ही क्यों? महादेव को जागृत करने के लिए कामदेव को ही क्यों नियुक्त किया? क्योंकि संपूर्ण सृष्टि में केवल मेरे कामदेव ही ऐसे थे जो महादेव को उनकी समाधि से जगा सकते थे। नहीं देवी रति, वो छलिया विष्णु जो स्वयं को लीलाधर कहता है, वो यदि चाहता तो कोई ना कोई लीला रच के महादेव की समाधि को भंग कर सकता था, किंतु उसने ऐसा किया नहीं। जानती हो क्यों? क्योंकि बलि केवल उसकी चढ़ती है जो शक्तिहीन होता है। मिटता केवल वो है जिसका कोई महत्व ही नहीं होता, जैसे कि तुम और तुम्हारे पति कामदेव। मौसा जी, आपने तुलसी से भगवान श्री राम के साक्षी होने वाली बात कहके कहीं बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर दी? गजेंद्र, ये कलयुग है और कलयुग में भगवान नहीं आते। तुम चिंता मत करो, आराम से भोजन करो। मृदुला का विवाह मनोहर से नहीं होगा। आप है तो क्या चिंता, पर क्या सच है कि भगवान लड्डू गोपाल की तुलसी पर विशेष कृपा है और यही कारण है कि वो आपसे आज तक हारी नहीं है? त्रिगुण हूं मैं, कभी सीधी चाल नहीं चलता, इसीलिए मैंने तुलसी पे थोड़ी कृपा की है
ताकि वो अपनी भक्ति में डूबी रहे और मेरे दूसरे कामों में बाधा ना डाले। मतलब ये बात झूठ है कि भगवान लड्डू गोपाल स्वयं उसके सारी समस्याओं का निवारण करने आते हैं? नहीं नहीं, बस मैंने सुना है इसीलिए। सुनी सुनाई बातों पर ज्यादा कान नहीं देना चाहिए। अगर ऐसे सबके बुलाने पर भगवान श्री राम आने लगे तो इस कलयुग का उद्धार नहीं हो जाएगा। इसलिए टेंशन मत लो, आराम से खाना खाओ। मृदुला, ये लो खाना खा लो। कि जो कुछ भी हो रहा है सब तुम्हारे भले के लिए ही हो रहा है। कहा ना मैंने नहीं खाना है खाना। बहू क्यों जिद कर रही हो, जाने दो। मृदुला बेटी का उपवास और तुलसी का भ्रम कल राम मंदिर में जाकर ही टूटेगा, जब राम जी नहीं आएंगे। मैं भली भांति जानती हूं कि तुम मुझे लड्डू गोपाल के विरुद्ध करना चाहती हो, पर मैं तुम्हारी व्यर्थ की बातों में नहीं आऊंगी, क्योंकि लड्डू गोपाल ने मुझे स्वयं वचन दिया है। आपके कामदेव अवश्य लौटेंगे और अति शीघ्र लौटेंगे। सारा संसार जिसे छलिया कहता है, रणछोड़ कहता है, और तुमने उसकी बात पर विश्वास किया। उसने तो राधा को भी वचन दिया था जिसे पूरा नहीं किया। वो तुम्हें दिया वचन कैसे पूरा करेगा? अरे वो तो मथुरा जाने के पश्चात गोकुल कभी लौटा भी नहीं। वो तुम्हारे कामदेव को क्या लौटा पाएगा देवी रती? और यदि वो सचमुच कामदेव को वापस लौटाना चाहता है तो इस काम में इतनी देरी क्यों? क्योंकि संसार का हर कर्म विधि के विधान के अनुसार ही होता है। नहीं देवी रती, वो छलिया लड्डू गोपाल जब देवताओं की रक्षा करने के लिए अपनी लक्ष्मी की माता ख्याति का वध कर सकता है, तो फिर कामदेव की इस छोटे से श्राप को दूर करने में इतनी देरी क्यों? सतयुग द्वापर त्रेता न जाने कितने युग बीत गए, किंतु विधि का विधान पूरा ही नहीं हुआ। अरे उस छलिए लड्डू गोपाल के अधर्म का उदाहरण देते देते युग बीत जाएंगे, किंतु तुम्हारा पति वापस नहीं आएगा देवी रती। पर तुम मेरे साथ कोई छल नहीं कर रही, मेरा हित करना चाहती हो, ये मैं कैसे मान लूं पूतना? मत मानो। किंतु कभी सोचा है, इतने युग बीत गए किंतु किसी देव को तुम्हारी चिंता क्यों नहीं हुई? इतने युगों में तुम्हारी सुध लेने कभी कोई देव आया क्यों नहीं देवी रती? किंतु लड्डू गोपाल तो आए ना। केवल तब जब तुमने इस समस्त संसार से सौंदर्य और श्रृंगार को नष्ट करने का निर्णय ले लिया, और फिर कभी ना पूर्ण होने वाला वचन देकर चला गया। लड्डू गोपाल ने मुझे कहा है कि मनोहर मनोहर के विवाह के पश्चात कामदेव को उनके श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। रति रति रति, विवाह से बड़ा और कोई बंधन हो सकता है क्या रति? एक बार यदि विवाह हो गया तो वो उस बंधन से कभी मुक्त नहीं हो पाएगा। वो देखो, तुम्हारी कामदेव का विवाह उस छलिए लड्डू गोपाल की परम भक्त तुलसी नियत कर रही है। देखो तुलसी,
यही है वो राम मंदिर जहां मृदुला के पिताजी ने मुझे वचन दिया था विवाह का। मैं आपको साक्षी मानकर मृदुला का विवाह मनोहर से करने का वचन दे रहा हूं प्रभु। तुलसी बिटिया लो आ गए हम भगवान श्री राम के दरबार में। अब दिलाओ विश्वास कि मेरे बाबूजी ने प्रभु श्री राम को साक्षी मानकर मनोहर और मृदुला के विवाह का वचन दिया था। हाँ हाँ, बुला लो भगवान श्री राम को ताकि हम भी उनके दर्शन पाके तर जाएं। चिंता मत कीजिए काका, यदि हमारी भक्ति में शक्ति हुई, हमारा विश्वास पक्का हुआ, तो आज मनोहर और मृदुला के प्रेम की जीत होगी और आज प्रभु श्री राम की लीला का आभास आपको भी अवश्य होगा। देखा तुलसी, कितने दृढ़ संकल्प है तुम्हारे कामदेव का विवाह करवाने के लिए, लेकिन अब तुम्हें निर्णय लेना है कि तुम अपने पति कामदेव को सचमुच वापस पाना चाहती हो या फिर उस छलिए लड्डू गोपाल के झूठे वचन के कारण हमेशा हमेशा के लिए अपने पति कामदेव को खो देना चाहती हो। पूतना सही कह रही, यदि मनोहर रूपी मेरे पति कामदेव का विवाह हो गया तो शायद वो कभी वापस ना लौटे। मुझे मेरे कामदेव चाहिए। हे मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम, आपकी एक ही रीत है, प्रीत। प्रेम की रक्षा के लिए आपने संसार से रावण के अधर्म को भी समाप्त किया था। माता सीता के प्रेम, उनके विश्वास की रक्षा की थी आपने। इस कलयुग में आज एक बार फिर प्रेम संकट में है। एक बार फिर किसी के विश्वास की अग्नि परीक्षा हो रही है, प्रभु परीक्षा हो रही है। प्रभु, पिता को दिए गए वचन के कारण आप वनवास गए थे। आज एक बार फिर से एक पिता ने आपको साक्षी मानकर वचन दिया है, उस वचन की रक्षा कीजिए प्रभु। मनोहर और मृदुला के प्रेम की रक्षा कीजिए। लीला दिखाइए प्रभु, लीला दिखाइए और दूर कर दीजिए सबके मन के अंधकार, सबके मन के अंधकार। तुम जो कहोगी मैं करने के लिए तैयार हूं, मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूं। बस किसी भी प्रकार मेरे कामदेव को लौटा दो। किंतु तुम्हारी योजना क्या है? कामदेव पुनः जीवित कैसे होंगे? मनोहर के शरीर से उनकी आत्मा कैसे वापस लौटेगी? दैत्य गुरु शुक्राचार्य की संजीवनी विद्या से, लेकिन इसके लिए तुम्हें कामदेव के दिव्य शरीर को मेरे साथ पाताल लोक लेकर चलना होगा। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। हे प्रभु, रघुकुल की रीत है वचन की रक्षा करना, इसलिए प्रभु अपनी लीला दिखाकर आज इस संसार में वचन का महत्व सिद्ध कर दीजिए। हे प्रभु, आपके राम राज्य में कभी किसी के साथ अन्याय नहीं होता, हमारे साथ भी अन्याय मत होने दीजिए प्रभु, हमारा न्याय कीजिए। हे सियापति प्रभु श्री राम, हमारे प्रेम की रक्षा कीजिए प्रभु, हमारे प्रेम के साथ न्याय कीजिए। प्रभु, इस संसार में धर्म की स्थापना के लिए आपने अवतार लिया था, प्रेम से बढ़कर कोई धर्म नहीं, इसीलिए इस प्रेम धर्म की रक्षा कीजिए प्रभु। दिखाइए अपनी लीला प्रभु, दिखाइए अपनी लीला। तुलसी बिटिया, क्यों धर्म और प्रेम के नाम पे इतना बड़ा पाप कर रही हो? आज बाऊ जी ने कोई वचन दिया ही नहीं था तो तुम क्यों इस झूठ को सच बताना चाहती हो? मतलब निर्णय हो गया, ये दोनों अपने प्रेम के लिए झूठ बोल रहे हैं।
समधी जी ने कोई वचन नहीं दिया था और ना ही भगवान श्री राम इस विवाह के साक्षी थे। इसलिए मृदुला अब तुम वही विवाह करोगी जहां हम चाहेंगे। चलो यहां से। गजेंद्र जी, यदि इन्हें झूठ ही बोलना था तो ये लोग घर वापस क्यों लौटे थे? ये तो कहीं भी कभी भी शादी कर रह सकते थे, पर ये लोग घर लौटे प्रधान जी के दिए गए वचन की रक्षा के लिए। ये लोग घर वापस लौटे क्योंकि इनके विवाह के वचन के साक्षी स्वयं भगवान श्री राम थे। यदि प्रभु श्री राम जी साक्षी थे तो गवाही देने क्यों नहीं आए? क्यों नहीं दिखाई उन्होंने लीला? भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, इसीलिए प्रतीक्षा कीजिए। भगवान के सम्मुख लिया गया वचन अवश्य पूर्ण होगा, वो अपनी लीला अवश्य दिखाएंगे। इन दोनों के विवाह की गवाही अवश्य देंगे प्रभु श्री राम। पाताल लोक क्यों? क्योंकि असुर गुरु शुक्राचार्य की संजीवनी विधि केवल पाताल में ही फलित हो सकती है देवी। ठीक है, मैं अपने पति के दिव्य शरीर को लेकर पाताल लोक चलने को तैयार हूं। बस किसी भी प्रकार उन्हें पुनः जीवित कर दो, उन्हें वापस ले आओ। बस करो तुलसी बिटिया, बस करो ये पाप। देखो भगवान श्री राम की चुप्पी चीख चीख कर गवाही दे रही है कि मेरे समधी ने कोई वचन नहीं दिया था। ये सच नहीं है, ये नहीं हो सकता। हे प्रभु श्री राम, आप मनोहर और मृदुला के विवाह के साक्षी हैं, फिर इसका प्रमाण आज क्यों नहीं मिला प्रभु? ऐसा अनर्थ मत कीजिए। लड्डू गोपाल,
मैं जानती थी कि तुम अवश्य आओगी। देवी रति, क्या हुआ? कहीं लड्डू गोपाल को देखकर आपने अपना निर्णय तो नहीं बदल दिया? नहीं पूतना, जिस मार्ग में चलकर मेरे पति मुझे वापस मिलेंगे मैं उसी मार्ग पर चलूंगी। पर देवी रति, मैंने आपको वचन दिया है, आप प्रतीक्षा कीजिए, मैं अपना वचन अवश्य पूर्ण करूंगा। 3 युगों से मैं प्रतीक्षा ही तो कर रही हूँ प्रभु, किंतु अब और प्रतीक्षा करने का धैर्य नहीं है मुझ में। और यदि आप कामदेव को वापस लौटाना ही चाहते हैं तो अभी लौटा दीजिए। पर ये संभव नहीं है देवी। क्यों संभव नहीं है? चलाइए अपना चक्र और समाप्त कर दीजिए मनोहर के जीवन को, और उसकी प्राण शक्ति से मेरे कामदेव को पुनर्जीवित कर दीजिए। समय से पूर्व किसी के जीवन को समाप्त करना या किसी के कर्मों की यात्रा पर विराम लगाना यह धर्म होगा देवी, और मैं यह धर्म नहीं कर सकता। किंतु अब मैं और प्रतीक्षा नहीं कर सकती, मुझे अपने कामदेव को पुनर्जीवित करना ही होगा। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि मेरे मार्ग में ना आए। लड्डू गोपाल, सुन लिया ना, जिसे तुम न्याय नहीं दिला सकते उसे पूतना न्याय दिलाएगी। देवी, पर ये सत्य नहीं है, पूतना अवश्य ही आपके साथ कोई छल करेगी। पूतना का साथ देकर आपका जीवन संकट में भी पड़ सकता है। देवी, अपने पति कामदेव को पुनर्जीवित करने के लिए मैं अपना जीवन त्यागने को भी तैयार हूँ प्रभु, इसलिए अब मैं वही करूंगी जो पूतना कहेगी। देवी रति, इस संसार में हर प्राणी अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, इसलिए अब मैं भी आपको नहीं रोकूंगा, पर आपका दिया हुआ वचन अवश्य पूर्ण करूंगा। मैं धर्म पूर्वक आपके पति कामदेव को अवश्य लौटाऊंगा। क्या हुआ देवी रति? हमें लड्डू गोपाल की प्रतीक्षा करनी है या फिर चले हम पाताल लोक? अब मैं एक क्षण भी प्रतीक्षा नहीं कर सकती पूतना, चलो पाताल लोक, ताकि मैं पुनः अपने कामदेव को जीवित कर सकूं। लड्डू गोपाल, अब ना तुम मनोहर को बचा पाओगी और ना ही कामदेव के दिव्य शरीर को। आज हम इस कामदेव का अंत कर आरंभ करेंगे हम असुरों की दिग्विजय यात्रा को। श्री राम मृदुला और मनोहर की विवाह की गवाही देने क्यों नहीं आए? क्योंकि तुम प्रभु श्री राम की महिमा, उनकी विराटता को, उनकी भक्ति को पूर्ण रूप से समझ ही नहीं पाए। दुनिया की नजरों से परे तुलसी के बनने सारथी आ रहे हैं तुलसी धाम के लड्डू गोपाल, सिर्फ शिमालू टीवी पर।